शहर में एक और जहां 18 से 44 वर्ष के लोगों की लसीकरण प्रक्रिया शुरू की जा रही है, वहीं दूसरी ओर अब भी 60 साल से अधिक कई ऐसे वयोवृद्ध हैं जिनका लसीकरण नहीं हो पाया है। शहर में कई ऐसे वृद्ध लोग हैं जिनका कोई नहीं होता, जिस कारण उनका वैक्सीनेशन भी नहीं हो पाता। लेकिन अभी ऐसे ही वरिष्ठ नागरिकों का भरोसा बनता दिख रहा है शहर का भरोसा सेल। ऐसा क्या किया है भरोसा सेल ने, आइए जानते हैं हमारे इस रिपोर्ट में। शहर में कई ऐसे ज्येष्ठ नागरिक हैं जिन्हें कोरोना की वैक्सीन लेनी तो है, पर वैक्सीन सेंटर तक पहुंचने में वो लोग असमर्थ हैं। एक ओर जहां लसीकरण प्रक्रिया को सरकार द्वारा बढ़ाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कई ऐसे ज्येष्ठ नागरिक हैं जिन्हें वैक्सीन लेनी तो है लेकिन परिवार का साथ न होना, लसीकरण केंद्र तक पहुँच न पाना, ऐसे कई कारणों की वजह से वे लोग वैक्सीन लेने में असमर्थ हैं। अब शहर के ऐसे ही नागरिकों के लिए शहर के भरोसा सेल ने एक नई मुहिम की शुरुआत की है। वे ज्येष्ठ नागरिक जिनका कोई भी नहीं है और उन्हें कोरोना वैक्सीन लेनी है लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंच पाना मुश्किल है, उनका शहर के भरोसा सेल ने डाटा निकाला और उस हिसाब से पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त सुनील फुलारी, पुलिस उपायुक्त गजानंद राजमाने के मार्गदर्शन में उन्होंने एक मुहिम की शुरुआत की, जिसके तहत जो ज्येष्ठ नागरिक अकेले है उनके घर से लसीकरण केंद्र और लसीकरण केंद्र से घर लाने ले जाने का कार्य उनकी ओर से किया जा रहा है। इस मुहिम की शुरुआत पिछले 2 दिनों से शहर में की गई, जिसको शहर के ज्येष्ठ नागरिक अच्छा प्रतिसाद दे रहे हैं। इस बारे में जब हमारी संवाददाता ने सहायक पुलिस निरीक्षक रेखा संगपाड़े से बातचीत की, तब उन्होंने बताया कि जिस दौरान उन्होंने शहर के ज्येष्ठ नागरिकों से बात की, तब उन्हें पता चला कि ऐसे कई लोग हैं जिन्हें वैक्सीनेशन करना तो है लेकिन कुछ कारणों की वजह से वे वैक्सीन नहीं ले पा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने इस मुहिम की शुरुआत की। भरोसा सेल दामिनी पथक की सहायता से ये कार्य कर रही है। दामिनी पथक उन ज्येष्ठ नागरिकों के घर जाती है और वहाँ से उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ बिना लाइन में लगे उनका वैक्सीनेशन होता है। इसके चलते भरोसा सेल की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिसके जरिए कोई भी ज्येष्ठ नागरिक इस मुहिम का लाभ ले सकता है। इस बारे में और अधिक जानकारी सहायक पुलिस निरीक्षक रेखा संगपाड़े ने दी। नागपुर के भरोसा सेल की ओर से एक अनूठी मुहिम की शुरुआत की गई है, जिसका कोई नहीं उसका पुलिस वाला, ऐसा हम कह सकते हैं। नागपुर के जो भरोसा सेल है, जिन लोगों को जिनका कोई नहीं है, जिनके जितने भी वयोवृद्ध लोग हैं उनका अगर वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो वो भरोसा सेल के मार्फत किया जा रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी हमें आज यहाँ पे मैम देने वाली है। इसके लिए मैंने अभी बताया कि रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, 5,700 से अधिक लोगों का रजिस्ट्रेशन सीनियर सिटीजन का हमारे भरोसा सेल के अंदर है। जो डाटा है उसके अंदर से हमने फ़ोन नंबर निकाले और उनसे कांटेक्ट किया डायरेक्ट, तो पता चला कि वैक्सीनेशन जिन्होंने किया है वो फैमिली के साथ रहते हैं और जिनका बाकी है वो अकेले रहते हैं। तो इन लोगों के लिए हमारे माननीय सीपी सर, अपर सर फुलारी सर एंड डीसीपी राजमाने सर, इन्होंने हमको बहुत मार्गदर्शन किया कि इन लोगों के लिए अपनी तरफ से कुछ ऐसी सेवाएँ करें कि सीनियर सिटीजन को इस कोरोना के पीरियड में मतलब राहत भी मिले और उनकी तबीयत की भी अच्छी परवरिश हो। तो इसलिए हमने हमारे दामिनी पथक के माध्यम से उनसे कांटेक्ट किया और फ़ोन करके यहाँ से पूछा कि जिनका वैक्सीनेशन बाकी है तो उनको घर से कलेक्ट करके सीधा पुलिस रुग्णालय हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। तो वहाँ पे हमारे डॉक्टर शिंदे सर है, उन्होंने हमारे लिए एक बहुत ही मतलब सहायता की है कि इन लोगों के लिए अलग सा टेंट खड़ा किया है वहाँ पे, कि जहाँ पे उनके लिए लाइन नहीं होगी, जाने के बाद वहाँ पे तुरंत उनको वैक्सीनेशन किया जाएगा और तुरंत उनको हमारे दामिनी पथक के गाड़ी से अपने घर सुरक्षित पहुँचाया जाएगा। तो इसके लिए हमने बताया भी है कि टोल फ्री नंबर जो है 100, ये तो पुलिस का है जो कभी भी आपको तुरंत हेल्प मिल सकती है, और 1091 ये जो टोल फ्री नंबर है सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशली बनाया है कि यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करके कभी भी हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं, या हमारा भरोसा सेल का भी नंबर है वहाँ पे भी आप आकर तुरंत मतलब संपर्क कर सकते हैं। और जिनको कोई भी दिक्कत है तो वो किसी भी माध्यम से हमसे अगर संपर्क करेंगे तो हम उनकी मतलब जो भी परेशानी है, दिक्कत है वैक्सीनेशन के लिए, तो वो हम सॉल्व करके उनको अपनी तरफ से पूरी सहायता करेंगे। बीते 2 दिनों से ये जो वैक्सीनेशन अभियान आपके द्वारा शुरू किया गया है, तो मैं जानना चाहूँगी किस तरीके से प्रतिसाद मिल रहा है और अब तक कितने लोगों का वैक्सीनेशन आपके मार्फत हुआ है।
जो अभी प्रतिशत, मतलब आज सुबह ही एक बुजुर्ग है सोनेगांव के एरिया में रहते हैं, उन्होंने हमारे एक लेडी के यहाँ फ़ोन पे बात की और बोले कि हमको मैडम से एक बात करनी है। तो बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने इतनी अच्छी तरह से हमको धन्यवाद दिया कि मैडम बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे सीनियर सिटीज़न के लिए आपने जो उपक्रम किया है वो हम तहे दिल से मतलब शुक्रिया करते हैं। तो हमने भी बोला कि अगर आपको कभी भी परेशानी है कौन सी भी बारे में, अब फैमिली मैटर हो, वैक्सीनेशन हो, जो भी मतलब जिस तरह की आपकी परेशानी है आप डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि सीनियर सिटीज़न के लिए जो भी परेशानी है वो तो हम सॉल्व करेंगे ही, सिवाय उनके तबीयत के बारे में वैक्सीनेशन हो या अलग उनको कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो, और जो अकेले रहते हैं उनके लिए हमारा दामिनी पथक तो मतलब सदैव तत्पर है। मैम वैक्सीनेशन तक ये जो है इस मुहिम का लाभ, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको इस बारे में पता नहीं होगा, तो उनके लिए आप इसका क्या आह्वान करना चाहेंगे? जैसे मैंने बताया अभी कि हमारे यहाँ टोल फ्री नंबर है 100 नंबर और 1091 नंबर, ये हमारा दामिनी पथक का टोल फ्री नंबर है। यहाँ पे वो कभी भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या हमारा जो ऑफिस है यहाँ पे सुभाष नगर टी पॉइंट आरपी नगर के यहाँ, तो यहाँ पे भी किसी के भी माध्यम से अगर हमको मैसेज भी दे दे कि हमको ऐसी ऐसी ज़रूरत है तो हम तुरंत अपनी गाड़ी वहाँ पे भेज सकते हैं उनकी सहायता के लिए। मैम वैक्सीनेशन के प्रति कई लोगों को अभी भी डर है, कई बुज़ुर्गों को ये लगता है कि अगर हमने वैक्सीनेशन किया तो हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, हमें और बीमारियाँ होगी, तो इस बारे में आप क्या आह्वान करना चाहती हूँ? यहाँ पे तो डॉक्टर सर है जो वही आपको अच्छे तरह से बात बता सकते हैं इसके बारे में। फिर भी हमारी ये कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने वैक्सीनेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कोरोना का भी बढ़ती जो प्रोसेस शुरू है तो इसके बारे में कैसे कि आप वैक्सीनेशन किया हो है तो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है और इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मतलब लोगों के बीच में जो गलत फहमियाँ है कि इससे टेम्परेचर बढ़ता है या और कुछ होता है, तो ऐसा तो हमारे सब मतलब पूरे डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट ने वैक्सीनेशन किया है तो उनको कोई भी तकलीफ नहीं हुई, और वो बाकी लोगों को भी ऐसे ही बताते हैं कि वैक्सीनेशन करना बहुत ज़रूरी है, इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है और जो भी आपके फ्यूचर में कोई आपके संपर्क में भी आएंगे तो इसके लिए वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा कि वो आप फाइट कर सकते हैं। धन्यवाद मैम, आपसे ये जानकारी प्राप्त करके निश्चित ही हर किसी को सहायता मिलेगी। भरोसा सेल नागपुर की ओर से ये मुहिम जो शुरू की है और वो बहुत ज़रूरतमंद लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाली है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मैं विशा हटवार, पीसीएन न्यूज़ नागपुर।